नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म हैज बॉन्ड आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹3 लाख। बॉन्ड आउटस्टैंडिंग का मतलब यह है कि कंपनी ने ऑलरेडी डिबेंचर्स इश्यू करके रखा है। द बॉन्ड वॉज इश्यूड, हाईलाइट द क्वेश्चन, बिफोर 6 ईयर्स फॉर 8 ईयर्स, आज से 6 साल के पहले 8 साल के लिए, यानी आज से देखने जाए तो 2 साल बाकी है। इट हैज 12.5% कूपन रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 12.5%, एंड इज कॉलेबल एट 1040 पर बॉन्ड। तो अगर कंपनी को इन बिटवीन उसको रिडीम करना है तो रिडीम कर सकते हैं, कितने में, 1040 में। इट हैड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 40,000, तो जब उन्होंने इश्यू किया था ना तभी 40,000 का खर्चा हुआ था। विच आर बीइंग अमोर्टाइज इक्वली ऑन एनुअल बेसिस, सो 40,000 डिवाइड बाय 8, हर साल 5,000 रुपए हम लोग राइट ऑफ कर रहे थे जा रहे हैं। द कंपनी हैड इनिशियली कलेक्टेड 2,76,000 ड्यू टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ बॉन्ड। अच्छा देखो, 3 लाख की जगह हमको 276 ही मिला था, क्यों, क्योंकि 24,000 का हमने डिस्काउंट ऑफर किया था एट द टाइम ऑफ इश्यू। द फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द न्यू इश्यू विल बी ₹27,000, नया जो इश्यू है ना उसका 27,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%, ऑफकोर्स ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 12.5% से कम ही होगा। Should the firm refund the outstanding debt? That is the question. Show detailed working. Highlight the portion. Ignore excess. यानी amortization का point अभी ignore करना है। Face value of the bond is ₹1,000. तो उसका face value हमको दे रखा है ₹1,000. और callable price दे रखा है ₹1,040. So you have to understand as a student कि इन दोनों का जो difference है ना, that is the redemption premium that you have to pay. If at all you go for the early redemption, ये जो है उसको call premium भी बोला जा सकता है, that is what you are required to pay only if at all you go for early redemption. चलो please go through the question all of you. मैं अभी आपको question समझा रहा हूँ। There is an existing bond of ₹3 लाख जिसको आज से 6 साल के पहले issue किया था, 8 साल के लिए, आज से 2 साल बाकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% हमने ऑफर किया था जब हमने सिक्योरिटी इशू किया था, फेस वैल्यू है 1,000, हमने उनको बोल के रखा था कि हम लोग कभी भी बीच पे रिडीम कर सकते हैं एट 1040। जब हमने सिक्योरिटी इशू किया था तभी फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा हुआ था 40,000, जिसको हम लोग ईयरली अमोर्टाइज कर रहे हैं। जब हमने सिक्योरिटी इश्यू किया था तभी 24,000 का डिस्काउंट दिया था, 24,000 कैसे सर, 3 लाख माइनस 2,76,000। नया बॉन्ड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रखा है 10%, उसका फ्लोटेशन कॉस्ट ये रखा है 27,000। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली कम ही होगा, अदरवाइज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग ऑल दिस। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हम लोग ऐसा मान लेंगे कि नया जो डिबेंचर्स या नया जो बॉन्ड होगा ना वो 3 लाख रुपए के लिए इश्यू होगा। नया जो बॉन्ड है ना वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए इश्यू होगा, यानी कि 2 साल हमारे एग्जांपल में। फेस वैल्यू का तो कुछ मायने नहीं है, लिख रहे हैं ऐसे ही 1,000 रुपए। डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्काउंट हम लोग जाने देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है जैसे आपको टैक्स को इग्नोर करना है, इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट का राइट ऑफ हम लोग इग्नोर करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट का राइट ऑफ आप कुछ रिलेट कर सकते हो, जैसे आप लोग कैपिटल बजटिंग में समझते हो ना, कुछ वैसा ही है। कैपिटल बजटिंग में जब हम लोग डिप्रीशिएशन को डिडक्ट करते हैं तो डिप्रीशिएशन को क्यों डिडक्ट किया जाता है, सिर्फ कैश फ्लोस के कैलकुलेशन के लिए, बिकॉज डिप्रीशिएशन इज एन अलाउेबल एक्सपेंस फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम लोग डिप्रीशिएशन को डिडक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी है, पर ये क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सी, आपको ऐसा समझने का है, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम लोग बेसिकली यहां पे खड़े हुए हैं। यहां पे वी अंडरस्टैंड दैट से जो हमारा एंड ऑफ ईयर 1 और एंड ऑफ ईयर 2 का कैश अक्रूवल है
उसको हमें यहां पे डिस्काउंट करना है, ऐसा हम लोग समझते हैं। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज ईयर जीरो, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। फर्स्ट ईयर के एंड के कैश फ्लो और सेकेंड ईयर के एंड के कैश फ्लो को हमें यहां पे डिस्काउंट करना है। जो टाइम पीरियड अब तक एक्सपायर हो चुका है दैट इज ऑफ नो यूज टू अस, जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा है ना फ्रेंड्स दैट इज यूजफुल टू अस, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ओके नाउ फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि 3,00,000 रुपए इंटू 2.5% तो कुछ 7,500 रुपए का इंटरेस्ट का सेविंग्स होगा, क्योंकि जो 12.5% पे करने वाले थे उसकी जगह क्या पे करेंगे 10, यही क्या होगा 2.5% का सेविंग्स होगा। तो 3,00,000 का 2.5% कितना होगा 7,500 रुपए। तो फर्स्ट ईयर में हमको 7,500 रुपए का सेविंग्स होगा, सेकेंड ईयर में हमको 7,500 का सेविंग्स होगा। उसके सामने ईयर जीरो, उसमें क्या होगा फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा होगा 27,000। देन वी अंडरस्टैंड दैट यूज अ कैलकुलेटर, 3,00,000 अपॉन 1,000 कितना आया 300 इंटू 40। सर 40 कैसे आया, 1,040 माइनस 1,000 यानी 40 रुपए का प्रीमियम। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, 3,00,000 अपॉन 1,000 यानी क्या होगा 300 बॉन्ड्स होगा जो हमने इश्यू किया। 1,040 माइनस 1,000 40 रुपए का प्रीमियम एक बॉन्ड के ऊपर इंटू क्या होगा 300 यानी 12,000 रुपए हमको पे करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम टू द एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स। तो 12,000 का वो खर्चा, 27,000 रुपए का ये खर्चा, सो टोटल 39,000 का खर्चा होगा। उसके सामने हमको 2,500 का सेविंग्स होगा फ्रॉम एंड ऑफ ईयर वन एंड एंड ऑफ ईयर टू। ये जो सेविंग्स हो रहा उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे, उसमें से हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये डिडक्ट करेंगे। अगर हमारा जो कैश इनफ्लो है वो ज्यादा है तो हम लोग उसको बोलेंगे दैट से यू शुड गो फॉर डेट रीशेड्यूलिंग नॉट अदरवाइज, ऐसा करके हमको यहाँ पे डिसीजन लेना है। चलो राइट डाउन आंसर, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम टू बी पेड टू एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स। प्रीमियम पर बॉन्ड इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वन जीरो फोर जीरो माइनस 1,000। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे क्या लिखेंगे 3,00,000 डिवाइडेड बाय 1,000 का फेस वैल्यू, तो 40 into 300 That comes to 12,000। ऐसा करके प्रीमियम पे किया जाएगा टू एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ annual savings of interest bond into difference in rate of interest, 3,00,000 into 0.125 minus 0.10, so 3,00,000 into 2.5%, यानी कितना होगा 7,500 रुपए। ये हमारा होगा एनुअल सेविंग्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर।
कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। तो एनपीवी के लिए कैसे होगा फ्रेंड्स, ईयर जीरो, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में 7,500, सेकेंड ईयर में 7,500, फ्लोटेशन कॉस्ट, नया डेट फाइनेंसिंग इश्यू करने का फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 27,000। प्रीमियम जो हमको एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को पे करना है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 12,000। नेट कैश फ्लो, ईयर जीरो का कैश आउटफ्लो है 39,000, फर्स्ट ईयर का इनफ्लो है 7,500, सेकेंड ईयर का है 7,500। ये नेट कैश फ्लो आ गया, उसके बाद उसका एनपीवी किया जाएगा। थर्टी नाइन थाउजेंड का आउटफ्लो, 7,500, 7,500। तो बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोग समझो कि हम लोग नया डेट फाइनेंसिंग रेस करेंगे 3,00,000 का और एग्जिस्टिंग को पे करेंगे 3,27,000, तीन लाख 12,000। तो हमारा नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 12,000 का। सी व्हाट हैपेंस एट से, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नया डेट फाइनेंसिंग रेस कर रहे हैं 3,00,000 का, एग्जिस्टिंग को कितना पे कर रहे हैं, 3,00,000 रुपए प्लस प्रीमियम पे कर रहे हैं, कितने का, 12,000 का। तो हमने क्या लिखा, ईयर जीरो में कैश आउटफ्लो लिख दिया 12,000 का फर्स्ट थिंग, सेकेंड फ्लोटेशन कॉस्ट का आउटफ्लो, थर्ड सेविंग्स, क्योंकि हमको 10% से ब्याज पे करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ 12.5, चौथा लिसन केयरफुली, नया बॉन्ड फाइनेंस, नया जो बॉन्ड है उसको सेकेंड ईयर एंड में रिडीम करना पड़ेगा, कितने में, 3,00,000 में। और अगर मैंने एग्जिस्टिंग को कंटिन्यू रखा होता तो भी उसको मुझे सेकेंड ईयर में रिडीम करना पड़ता, कितने में, 3,00,000 में। सो आप लोग कुछ ऐसा बोल सकते हो, दैट्स दिस इज अ काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच। यहां पे हमने क्या किया, वी हैव अडॉप्टेड इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग। इंक्रीमेंटल अप्रोच इज रीशेड्यूल डेट फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विथ एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग। ऐसा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, से वी आर मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द आंसर। सो रिटन हेडिंग प्रॉपरली, रीशेड्यूल डेट फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विथ एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग। यानी नया डेट फाइनेंसिंग लेके एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग को रीपे करो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विद एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग। तो ये नेट कैश फ्लो हो गया, उसका एनपीवी। फ्रेंड्स एनपीवी के लिए हम लोग नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान में लेंगे, और नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे क्वेश्चन में कितना है, 10% है। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, see what happens at, say we understand that, say यहाँ पे हमको tax rate का information नहीं दे रखा, tax को ignore ही करना है, इसलिए ये cost of capital को post tax नहीं किया जाता है, otherwise ये cost of capital को post tax किया जाएगा।
1 divided by 1.1, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पोस्ट टैक्स करेंगे, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो उसको पोस्ट टैक्स ही समझेंगे। ईयर जीरो का फैक्टर होता है 1, फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.9091, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.8264, सो ईयर जीरो का कैश आउटफ्लो हो जाएगा 39,000, 7,500 इंटू 0.9091, सो 6,818.25, 7,500 इंटू 0.8264, 6,198, 6,818.25 माइनस 39,000, तो एनपीवी होगा 25,988.75. That is the way we are supposed to make the calculation of the NPV. Let us answer. So this is the way we take the decision. Let us answer. As NPV is negative, comma, do not reschedule debt finance. That is the way we have to take decision.